बाहर निकाला जा रहा है। तो ये हल्का है PS 88 जहाँ पर झगड़ा बार बार जो है वो होता रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक और खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का जो सिलसिला है वो जारी है। पहले उन्होंने खत लिखा अली मदन शेख के खिलाफ और अब इलेक्शन कमीशन ने क्विक रेस्पॉन्स दिया, अली मदन शेख को हल्के से बाहर निकालने का हुक्म दिया। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी की जानिब से एक और खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है कि अली मदन शेख के साथ जो साथी थे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। अच्छा संजय, हमने देखा है कि जब भी जमीनी इंतखाबात होते हैं तो कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं। जानना आपसे ये चाहेंगे कि पुलिस की जो नफरी इस पोलिंग स्टेशन पर पहले तैनात की गई थी, इस वाके के बाद क्या उस नफरी को बढ़ाया गया? देखिए पुलिस जिस इलेक्शन का ये तरीके कार है कि जिस भी पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा होता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उस पोलिंग